सिंगरौली जिले के बरगवा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कसर में खेलते खेलते एक 3 वर्षीय मासूम बच्ची सौम्या साहू अचानक बोरवेल में गिर गई थी, जिसको कड़ी मशक्कत के बाद 6.5 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के उपरांत बाहर तो निकाल लिया गया परंतु वह जीवित नहीं बची। वहीं घटनास्थल पर सिंगरौली कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला एवं पुलिस अधीक्षक निवेदिता गुप्ता घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रही थी। वहीं इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में SDRF एवं कोल माइंस के कर्मियों के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया परंतु मासूम को बचाया नहीं जा सका। वहीं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मासूम बच्ची सौम्या साहू के पिता का मार्मिक बयान सामने आया है, सुनिए उन्होंने इस विषय पर क्या कुछ कहा है। सर बकरी एक आई बकरी पीछे बच्ची को दी ध्यान नहीं दिया, गिर गया उसने। क्या नाम था बच्ची का? सौम्या कुमारी साहू। कितने साल की थी? 3 साल की थी सर, आज उसका बर्थडे था। आपके साथ ही आई थी खेत में? आपके साथ ही आई थी खेत में? नहीं सर, हमारे साथ में नहीं आई थी। कैसे पहुंची यहाँ? बकरी के पीछे भागी है साहब। तो ये बोरवेल कैसे खुला हुआ पड़ा था? बोरवेल सर फटा हुआ था, 8-10 साल का पुराना बोरवेल है। आपे ने खुदवाया था? जी सर। बंद था? बंद किए थे सर, उधर किनारे किनारे चूहा लग गया। जब अभी वहाँ गिरी बच्ची तो देखे हम लोग पूरा पीला है, घुस भी गए हम नीचे तक पूरा रस्सी बांध के। लड़की का सिर भर सिर छुआ रहा था पहले, सिर छुला रहा था। कोई चहल पहल? कुछ नहीं, सब बंद कर देती साहब। कुछ देर तक खिलाई 5-10 मिनट तक, इसके बाद बंद हो गए सब। प्रशासन लगा हुआ?